शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त, आपका खादिम मलक शकील आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जन्नात के काले साए में। तो दोस्तों, आज हम एक लोकेशन पे आए हैं, तो ये एक घर के तरफ हम जा रहे हैं, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम ज़रा सा थोड़ा सा ये जंगल टाइप बना हुआ है, इधर बहुत बड़े बड़े यहाँ पे पेड़ हैं और पेड़ों के बीच में से हम जा रहे हैं उस घर की तरफ। तो आज हम उस घर में देखेंगे कि क्या कुछ हमें ऐसी कोई चीज़ मिलती है कि जो नहायत ख़तरनाक किस्म की है, या कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि यहाँ पे रहने वालों को या फिर जो यहाँ पे रह के चले गए हैं उनको डिस्टर्ब करती है, या कोई मसला यहाँ पे कोई ऐसा है जो कि नहायत ख़तरनाक किस्म का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने ये पेड़ पड़े हुए हैं गिरे हुए, लेकिन ये इस घर के साथ ही हैं और काफ़ी सारे ये पेड़ हैं यहाँ पे के जो बिल्कुल यहाँ पे इसके इस घर के आसपास हैं और सब जले हुए हैं। और यहाँ पे ऐसे ये क्या हड्डी है कोई किसी चीज़ की। तो हम ये कहाँ से जाना है भाई, उधर जाएंगे यारो। तो ये बंद है जी जी वो। तो मेरे साथ एक यहाँ का दोस्त है जो यहाँ का रिहायशी है, तो वो मेरे साथ अभी चल रहा है। तो उसने हमें बताया है कि यहाँ पे जी कुछ चीज़ें हैं कि जो यहाँ पे रहने नहीं देती, और ये जो घर हैं ये बहुत ज़्यादा खंडर बने हुए हैं और वीरान हैं। तो हम वही देखने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ सकती। तो किधर, इधर से, इधर से, इधर से। तो हाँ, हम आपको दिखा सकते हैं, ये सामने देख सकते हैं आप, ये कि नहीं है। तो जंगल टाइप बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने दिन में नहीं चक्कर लगाया, रात में सीधे हम लोकेशन पे आ गए हैं। अगर ओए बदबू कितनी आ रही है जी। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो यहाँ पे हमें मिल सकती है। ये क्या, उफ, तो ये क्या कुछ जानवर पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने कहा था कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाएगी, और ये आते ही हमारे सामने एक कोई चीज़ आ गई और हमने रास्ता चेंज कर लिया अपना। क्या था तो रास्ता हमने चेंज कर लिया है जी, लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे हमारे सामने आ सकती है। तो मैं कहता हूँ कि अंदर ना जाऊँ तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पे बदबू बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये आवाज़ें आप सुन रहे हैं, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा बदबू है और इसकी हालात आप देख सकते हैं, और यहाँ पर रुकना हमारे लिए सही नहीं है। हम और किसी कमरे में चलते हैं। ये काफ़ी टाइम, ओ यार ये क्या है, क्या ये पता नहीं क्या बैग पड़ा हुआ है किसी चीज़ का, और यहाँ पे बाहर ही चलो भाई यहाँ से। अबे उधर कहाँ जा रहा है, दोस्तों ये जगह जो है ना हमें बहुत ज़्यादा पुरसरार लग रही है, और मैं इसमें अंदर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर से। ये क्या, ये एक और सामने हमारे चीज़ है,
देखें आप, ये भी पड़ी हुई है और ये भी कुछ चीज़ ऐसी है, कुछ जानवर है। इसकी भी हड्डियां बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये क्या, एक और यहाँ पे है कोई चीज़। हमें ये जगह ठीक नहीं लग रही, हम यहाँ से बेहतर है कि हम यहाँ पे अंदर नहीं गए, लेकिन ये कि हमें वापस जाना चाहिए। और ये जगह बहुत ज़्यादा पुरसरार है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़तरा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है। और मैं इसकी बैक साइड पे आया हूँ और हम लोग अंदर, इतनी बदबू आ रही है कि बाहर आपने देखा कि यहाँ पे जानवर पड़े हुए हैं, और ये कि हम अंदर नहीं गए क्योंकि जब बाहर आपने देखा इतने जानवर हैं, इतनी बदबू है, तो ये क्या, इन खिड़कियों में से कोई अभी आया था बाहर, सिर निकाला था किसी ने। हर जगह पे खिड़की है और यहाँ पे किसी खिड़की में से किसी ने सिर निकाल के हमें देखा है और हम अंदर नहीं जा पा रहे। तो हम चलते हैं और एक जगह आपको दिखाते हैं। ये बदबू की वजह से हम अंदर नहीं गए और हमें बहुत ज़्यादा डर खौफ आ रहा है, तो लिहाजा हम यहाँ से चलते हैं, आपको दूसरी लोकेशन पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ और। रात का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तकरीबन 1:30 बज चुका है या 2 बज चुके हैं। ये देखें, इसके आसपास ये भी लकड़ी एक पड़ी है और ये भी, वो भी सारी जली हुई हैं, ख़त्म हुई हुई हैं। नहीं, उधर नहीं जाएंगे, इस साइड पे चलेंगे बस। तो दोस्तों, हमें अभी तक जो आपको हमने दिखाया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ पे आ गए और आपको दिखाया, और जो जानवर हमें मिले वो एक के बजाय तीन तीन चार चार हमें मिले हैं, और वो इस तरह ख़त्म हुए हुए जैसे कि किसी ने उनकी सांस निकाल ली हो, और वो बाकी सब उनका ठीक ठाक है और उनमें सांस बिल्कुल नहीं है। और हम देख के उसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए और हमें बहुत ज़्यादा जो ना वहाँ पर तकलीफ़ हुई और हम बर्दाश्त नहीं कर सके, इसीलिए हम दूसरी लोकेशन पे हैं। ये देखें, दूसरा दरख्त भी यहाँ पे है। ये दरख्त बहुत ज़्यादा यहाँ पे जले हुए और बहुत ज़्यादा ऐसे हुए हुए, तो हमें आपको ये भी दिखा रहे हैं कि यह जगह इतनी ख़तरनाक है कि यहाँ पे दरख्तों का हाल ऐसा है, तो और कोई चीज़ होती तो उनका हाल भी क्या होता। ये देखें, एक और भी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हैं गिरे हुए, और ये जंगल टाइप एक बना हुआ था, मैंने आपको पहले बताया था। और ये वो तो निकाल लो, और ये ऐसा है कि ये देखें, एक और भी है। तो हाँ, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये दरख्त जो है ऐसे ही बिला वजह नहीं गिरे हुए, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनके ऊपर रहती थी और राज करती थी, लेकिन ये कि किसी वजह से ये गिराए गए या गिर गए, जो भी है हमें ये वल्ला आलम पता नहीं है। तो ये एक नहीं है, पता नहीं कितने हमने दिखा दिए आपको, तो आज हम यही देखेंगे। ये मैं उठाऊंगा भाई तो आज हम यही देखेंगे कि हमें कोई चीज़ ऐसी और भी को मिले और हम आपको दिखा सकें। तो हम देख रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं किसी न किसी चीज़ को हमें मिले जो कि हमें वाकई ख़तरनाक लगे। तो यहाँ पे भी एक दरख्त, ये देखें, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के दरख्त बने हुए हैं कि जैसे आप सोच नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। तो नाज़रीन, हम चलते हैं वापस अपनी जगह पे, तो हमें इजाज़त दीजिए, और जाते जाते हम ये कहेंगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से हम आगे बढ़ेंगे और जो भी गलती कोई हुई हम इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा
कि कोई गलती हो गई हो या कोताही हो गई हो या कोई बोलने में कोई ऐसी हो गई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। और ये दरख्त भी इस तरह ही एक और भी है, और इसके साथ देखें ये भी लगा हुआ है, कभी ना कभी ये भी गिर जाएगा और बहुत ऊँचाई पर है ये भी। यहाँ पे काफ़ी सारे दरख्त ऐसे जले हुए हैं और देखने में बहुत अजीबोगरीब लग रहा है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक ख़तरा महसूस हो रहा है और बदबू आ रही है। तो हम यहाँ से चलते हैं, तो फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।